वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग कंसेप्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है IP2 कन्वर्टर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में IP2 कन्वर्टर के बारे में बताने वाला हूँ कि IP2 कन्वर्टर क्या होता है, कैसे काम करता है और इनका एप्लीकेशन क्या होता है, इंडस्ट्री में हम IP2 कन्वर्टर क्यों लगाते हैं, हमें IP2 कन्वर्टर की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके लिए मैंने यहाँ पे एक IP2 कन्वर्टर लेकर के मैं आया हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा IP2 कन्वर्टर पे कि इसका जो इनपुट है वो 420 mA है और आउटपुट जो है 3-15 PSI है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको फुल प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि IP2 कन्वर्टर कैसे काम करता है और हम IP2 कन्वर्टर को किन किन जगह पे यूज़ में लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर तो मैं वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ, जैसा कि आपको ये मैं एक डायग्राम बनाया हूँ, IP2 कन्वर्टर का डायग्राम बनाया हूँ मैंने दोस्तों। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम में समझ लेते हैं, डायग्राम के बाद में आपको प्रैक्टिकल करके मैं खोल करके IP2 कन्वर्टर को मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, जब IP2 कन्वर्टर को आप देखेंगे तो IP2 कन्वर्टर का जो इनपुट है हमारा वो 4-20 इनपुट है हमारा, सिग्नल हमें इनपुट सिग्नल मिलता है वो 4-20 सिग्नल मिलता है इनपुट। ठीक है दोस्तों, जहां से जैसे ही इनपुट सप्लाई मिलता है, ये एक फ्लैपर लगा होता है ऊपर में, IP2 कन्वर्टर के ऊपर में ये फ्लैपर लगा हुआ है और ये दो क्वाइल्स होती हैं लगे हुए, स्प्रिंग होता है लगा हुआ। ठीक है दोस्तों, साथ के साथ आप जब देखेंगे, जैसे कि मैं IP2 कन्वर्टर में यहाँ पे आपको बता देने वाला हूँ, ये देखिए ये जो दो वायर है, ये दो वायर जो है 4-20 की वायर है निकली हुई, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये वायर आकर करके आपके फ्लैपर पे आके कनेक्ट हो जाता है। ये जो पार्ट है IP2 कन्वर्टर का, ये जो पार्ट है इसके अंदर में फ्लैपर लगा होता है और ये फ्लैपर में कनेक्ट हो जाता है। फ्लैपर के नीचे में एक नोजल लगी हुई है, जो ये नोजल आपको दिख रहा है, ये नोजल एक लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, इस नोजल के ऊपर में यहाँ पे एक गैप है, गैप में ये जो आपका ये गैप, इस तरह का गैप होता है, ये मैं जब खोलूँगा तो खोल करके मैं आपको दिखाऊँगा कैसे होता है आपको। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखने वाली चीज़ यह है कि IP2 कन्वर्टर में हम यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ, इन लिखा हुआ है, इन से जो है हम यहाँ से एयर देने का काम करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एयर कितना देते हैं एयर, तो एयर हम इसमें देंगे 3-15 PSI तक का एयर हम देने का काम करते हैं। इंडस्ट्री में जो हम एयर यूज़ में लेते हैं वो 4 bar to 8 bar तक का एयर हम प्रेशर यूज़ में लेते हैं। तो जब यहाँ से हम यहाँ पे एयर प्रेशर देंगे, एयर प्रेशर लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक AFR यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, AFR से हम जो है 6 bar तक का प्रेशर सेट करके रखते हैं और यहाँ पे जो है एक रिस्ट्रिक्शन अंदर में लगा हुआ है। जब इसमें देखेंगे एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, वो रिस्ट्रिक्शन से नॉर्मली जो कंडीशन में एयर जो इसको मिल रहा है वो 3 PSI का नॉर्मल एयर यहाँ से इसको मिलने का काम होता है। ठीक है दोस्तों, 3-15 PSI यहाँ से एयर इसको मिल रहा है। अब इसमें आप देखेंगे इसका जो वर्किंग है, इसकी वर्किंग ऐसे है कि जैसे ही मैंने यहाँ पर 420 सप्लाई दिया, वैसे ही फ्लैपर जो है ये चार्ज हो जाता है। चार्ज कैसे होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है फ्लैपर पे, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा फ्लैपर जो है ये ऊपर नीचे की तरफ आ जाएगा, और जैसे ही नीचे की तरफ आ जाएगा ये क्या करेगा, नोजल को क्लोज करने का काम करेगा। तो इसको आपको बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि एयर प्रेशर जब यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से एयर प्रेशर डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये प्रेशर यहाँ से डिस्चार्ज, ऊपर से डिस्चार्ज होता रहता है, लेकिन जैसे ही ये फ्लैपर का हम 4 mA लिए, 4 mA थोड़ा कम होगा, 8 mA और ज़्यादा बंद होगा, इस तरह से करते करते ये बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 20 mA पे ये जो है टोटली क्लोज हो जाएगा और जो भी एयर होगा, जो एयर यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा था, वो एयर डिस्चार्ज ना होकर के ये सिग्नल में एयर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर एयर प्रेशर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हमारा इसका वर्किंग हो गया, किस तरह से वर्किंग होता है। अब इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ में लेंगे इंडस्ट्री में, अगर इंडस्ट्री में हमें यूज़ में लेना है तो ये हम कहाँ कहाँ पे यूज़ में लेते हैं दोस्तों। तो इंडस्ट्री में हमें यूज़ में लेने के लिए, तो हम कंट्रोल वाल्व के पीछे ले सकते हैं, या कहीं पे भी न्यूमेटिक एक्चुएटर है जिसे हम अपने परसेंटेज में ओपन करना है, वहाँ पर हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। कोई भी ऐसा वाल्व या एक्चुएटर जहाँ पर हमें परसेंटेज में ओपन और क्लोज करना है, वहाँ पर हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। ये जो जितनी कंपोनेंट मैंने यहाँ पर दिखाया है वो सारा कंपोनेंट मैं आपको दिखाता हूँ। साथ के साथ मैं आपको एक चीज़ इसमें और बता देता हूँ कि जैसे ही इसमें हम 4 mA सप्लाई देते हैं तो 4 mA में ये 3 PSI एयर का प्रेशर देने का काम करता है। 8 mA सप्लाई में 6 PSI देने का काम करेगा, 12 mA पे 9 PSI, 16 mA पे 12 PSI, 20 mA पे
15 PSI देने का काम करेगा। तो चलिए अकॉर्डिंग टू इसके मैं आपको खोल करके भी दिखाता हूँ। चलिए ये मैंने आईपी नास दूसरे को मैंने खोला, मैंने इसको ऊपर का कवर पहले मैं खोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर तो दोस्तों मैंने आईपी ट्रांसमिशन को खोल लिया है, मैं बिल्कुल इसी ड्राइंग पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको कहा था कि 420 की सप्लाई यहाँ से आ रही है, 420 सप्लाई आ रही है, सप्लाई के ऊपर में ये मैग्नेट है और ये फ्लैपर है, ये जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं फ्लैपर, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो फ्लैपर जितना भी ऊपर उठेगा उसके अकॉर्डिंग इसका वेंटिलेशन ये होगा। अब मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल थोड़ा सा इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्लैपर के ऊपर में एक ये नोजल है, ये नोजल जो लगा हुआ है जो गोल्डन कलर का जो दिख रहा है, ये नोजल है, ये नोजल है, बिल्कुल ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो जैसे जैसे नोजल ये क्लोज होगा वैसे वैसे एयर जो है, जो डिस्चार्ज एयर हो रहा है वो डिस्चार्ज एयर होना यहाँ से बंद हो जाएगा। जैसे एयर बंद हो जाएगा हमें टोटली एयर का सप्लाई यहाँ आउटपुट में मिलने का काम करेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा चीज़, चलो अब मैं इसको नीचे में लेता हूँ, मैं इसके नीचे के पार्ट खोलता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे स्प्रिंग देख रहे हैं तो दो स्प्रिंग लगा होता है इसमें, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये मैंने जैसे खोला एक स्प्रिंग यहाँ लगा हुआ है और स्प्रिंग के नीचे भी एक नोजल लगा हुआ है। ये नोजल आपको क्लियर देखने के लिए, दिखाने के लिए मैं आपको इसको पूरा ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका फंक्शन कैसे होता है और किस तरीके से ये काम करता है। दोस्तों आप इसको खोलने की कोशिश नहीं करना कभी भी अगर आपको नहीं पता है तो, क्योंकि सेटिंग आपकी बिगड़ सकती है। जब भी खोले किसी एक्सपर्ट की देख रेख में खोलना आप। तो दोस्तों मैंने तीनों जो बोल्ट फेस के ओपन कर लिया है, अब मैं इसको बाहर निकालता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये मैंने बाहर निकाला, ये देखिए यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा था इसके फंक्शंस क्या हैं। यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है, जैसे ही मैग्नेट ओपन होगा वैसे ही ये डिस्चार्ज करने का काम करेगा। ये देखिए ये जो है इसको डिस्चार्ज करने का काम करेगा, जितना ओपन करेगा उतना ही एयर यहाँ पे रिलीज़ करने का काम करेगा। ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट जो है फ्लैपर से, जो ऊपर फ्लैपर लगा हुआ फ्लैपर इसको ओपन अप डाउन करने का काम करता है, ये जो फ्लैपर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम कहते हैं फ्लैपर कहते हैं, ये जो फ्लैपर है और ये एयर गैप है, गैप जितना ज़्यादा इसका बंद होगा उतना ही ज़्यादा एयर जो है रिलीज़ करने का काम करेगा, और जब जितना ज़्यादा एयर रिलीज़ करेगा उतना ही ज़्यादा आउटपुट हमें देने का काम करेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही हम परसेंटेज में कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 4 mA का हमने करंट दिया है तो वहाँ पर 3 PSI एयर का सप्लाई आउटपुट मुझे मिलेगा, 8 mA में 6 PSI, 12 mA में 9 PSI, 16 mA में 12 PSI, 12 mA पे 15 PSI सप्लाई मिलने का काम करेगा। जैसा कि आपको यहाँ पे आउटपुट में भी दिख रहा है कि आउटपुट जो है 15 PSI है, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि IP2 कन्वर्टर जो होता है, IP2 कन्वर्टर को हम करंट टू प्रेशर भी कह सकते हैं। करंट टू प्रेशर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये एनालॉग जो इसमें सिग्नल आता है वो एनालॉग सिग्नल आता है, 4 to 20 में सिग्नल आता है, और ये जो सिग्नल है हमारा वो PLC से निकल के आता है। आप जब भी इंडस्ट्री में देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, जहाँ भी ये 4 to 20 IP2 कन्वर्टर लगा हुआ है, तो IP2 कन्वर्टर जो है, जैसे किसी भी लाइन में अगर IP2 कन्वर्टर लगा हुआ है, जैसे ये कोई लाइन है, लाइन में ये मैंने IP2 कन्वर्टर लगा दिया है, जैसे कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, तो इसके आगे आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 4 to 20 का ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ज़्यादा टेम्परेचर TT PT FT
सीटी यानी कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट आगे लगा होगा जो कि हमें आउटपुट 4 to 20 में दे रहा होगा, और इसका जो आउटपुट निकल के आएगा वो पीएलसी के कार्ड में आएगा, और इस कार्ड के थ्रू हमें यहाँ पे आउटपुट मिलने का काम करेगा, 4 to 20 मिलने का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आज का जो मेरा वीडियो है ये अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में कोई भी मेरी वीडियोज़ आती है तो आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।